वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। चक्रवात यास का बिहार के कई जिले में असर देखने को मिल रहा है। पटना, गया, सहरसा, दरभंगा, कटिहार समेत अन्य जिलों में हुई तेज बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। साथ ही सरकार के सभी दावों की पोल खोल दी है। बिहार के कटिहार जिले के सदर अस्पताल से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के गृह जिले में अस्पताल जलमग्न दिखा। बता दें कि कटिहार में यह चक्रवात की वजह से हुई तेज बारिश के बाद सदर अस्पताल में भी बारिश का पानी प्रवेश कर गया है। पूरा हॉस्पिटल के अंदर पानी आ गया है तो दिक्कत तो हो ही रहा है। कैसे काम कर रही है? पानी में ही काम कर रहे हैं। कितनी दिक्कतों का सामना? बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ना ड्रेस पहन पा रहे हैं, पूरा पानी में इधर से उधर सिस्टर लोग जा रही है, काम कर रही है, हर जगह पानी है। ऐसे में मरीजों का क्या होगा? मरीज का फिर भी किसी भी हाल में तो हम लोग को देखभाल करना ही है। ओपीडी सहित विभिन्न वार्डों में पानी के कारण डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड में पानी घुस जाने की वजह से बेड पानी से डूब गए हैं। अस्पताल में जल जमाव की वजह से कोरोना जांच और टीकाकरण का काम भी घंटों बाधित रहा। दरअसल शहर के बैगना स्थित नहर बांध टूट गया था, इस कारण पानी का फैलाव तेजी से होने लगा था। देखिए इस वीडियो में किस कदर बिहार का हेल्थ सिस्टम दम तोड़ चुका है। यह तूफान ने केवल बिहार की पोल नहीं खोली है, ये तूफान झारखंड में भी अपना कहर बरपा चुका है। जी हाँ, झारखंड की राजधानी रांची में यह चक्रवात की वजह से एक ब्रिज गिर गया है। देखिए वहां का ये वीडियो।